ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से परेशानियां बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद नहीं होंगे बल्कि स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। देखिए, कोरोना जिसकी दो लहरों ने लोगों को इतना डरा दिया कि आज भी कोरोना के नाम से लोग दूर भागने लगते हैं। जैसे तैसे देश ने कोरोना की दोनों लहरों से निजात पाई, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया, वैक्सीन लगाई गई। अब लगने लगा था कि कोरोना से हम जीत जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच आए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सभी की नींद उड़ा कर रख दी है। भारत में भी इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि ने सभी को सकते में डाल दिया है। इस वायरस की आशंकाओं और तीसरी लहर की आहट के बीच सबसे परेशान करने वाली बात है स्कूलों का खुलना। कई राज्यों में तो स्कूलों को बंद करने पर विचार कर लिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद होने को लेकर अब तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना थर्ड आने की संभावनाओं पे लगातार सरकार समीक्षा भी कर रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, हमारी तैयारी भी पूरी है। कहीं कहीं एक दो प्रकरण अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में जिस वेरिएंट की चर्चा हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी से आप जो प्रश्न कर रहे हैं स्कूलों में, स्कूलों के बारे में, ये थोड़ा प्रीमेच्योर बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सरकार उसको विचार करेगा। सरकार के मुताबिक स्कूल बंद करने को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को सियासी रंग देते हुए सरकार से स्कूली बच्चों को लेकर दोबारा सोचने की मांग कर रहा है। जो स्कूल खोले जाने की बात है और जो खोल दिए हैं, आज खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा मंडरा रही है। इससे बच्चे के संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है। इस बात को लेकर के सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पिछले बार जो हादसा हुए हैं या जो घटना हुई है, उस घटना से कैसे बचाया जा सके। और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, और विचार करके कि हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकें। एक तरफ देश वैक्सीनेशन की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ इस वायरस को लेकर कितना अलर्ट है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल अभी खुले ही रहेंगे, लेकिन सरकार इस वायरस पर आगे क्या फैसला लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।